आपने पाटलिपुत्र वैभवम पीयूषम द्वितीय भाग के पाठ को जो हिंदी अनुवाद में अपलोड किया गया था देख लिया होगा। आप बने हुए हैं दीप स्टडी में, आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, बेल बटन दबा लें ताकि अन्य पाठ भी आपको उपलब्ध होते रहें। हिंदी अनुवाद के बाद यह दूसरा वीडियो वस्तुनिष्ठ प्रश्न और लघुतरीय प्रश्न जो परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं वह दिया जा रहा है, जो उत्तर के साथ दिया जा रहा है ताकि आप आसानी से इसे अपने समझ में डाल लें। प्रश्न है, वर्तमान पटना का इतिहास कितना प्राचीन है? 1000, 2000, 2500, 3000। तो सही उत्तर है 2500। कुटनी माख्याता काव्य कस कवे रचना अस्ति, किस कवि की रचना है? दामोदर गुप्त, समुद्र गुप्त, पाणिनी, पतंजलि। मैंने हिंदी अनुवाद करते समय भी कुछ प्रश्नों के उत्तर आपको दे दिया था, बहुत सारे लघुतरीय प्रश्न के भी उत्तर मैंने स्पष्ट किया था। तो सही उत्तर होगा दामोदर गुप्त। पाटलिपुत्रम कस्याह नद्या तीरे अवस्थितम अस्ति, पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है? गंगा, बागमती, कमला, कोसी। तो सही उत्तर है गंगा। बुद्ध काल में पाटलिपुत्रस नाम किम, पाटलिपुत्र का नाम क्या था? जपाग्राम, पाटलीग्राम, पटना, कुसुमपुर। सही उत्तर है पाटलीग्राम। पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में किस नगर का वर्णन है? मोदफलपुरम, पाटलिपुत्रस्य, सीतामढ़ी इत्यस्य, गंगाया। सही उत्तर है पाटलिपुत्रस्य। गंगा नद्याः उपरी गांधी सेतु कुत्र अस्ति, गंगा नदी के ऊपर गांधी सेतु कहाँ है? पाटलिपुत्र नगर में, काशी नगर में, कानपुर में, हरिद्वार में। सही उत्तर है क, पाटलिपुत्र नगर में। राजशेखरस रचना का, राजशेखर की रचना इनमें से कौन सी है? काव्यात्मक मीमांसा, काव्य मीमांसा, काव्यालंकार, साहित्य दर्पण। सही उत्तर है राजशेखर काव्य मीमांसा। पाटलिपुत्र से पालिका देवी का, पाटलिपुत्र की पालिका देवी कौन है? श्यामा देवी, शीतला देवी, भैरवी देवी, पटन देवी। सही उत्तर है पटन देवी, जिसके नाम पर पटना पड़ा है। कस राज्ञः काले पाटलिपुत्रस रक्षा व्यवस्था उत्कृष्टा, किस राजा के काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट है? चंद्रगुप्त मौर्यस्य, जरासंघस्य, पुष्यमित्रस्य, श्री कृष्ण सिंहस्य। सही उत्तर है चंद्रगुप्त मौर्यस्य। राज्ञ अशोकस समये पाटलिपुत्रस्य वैभवम कीदृशम, राजा अशोक के समय पाटलिपुत्र का वैभव कैसा था? निष्कृष्टम, समृद्धम, उन्नायकम, दुर्बलतरम। सही उत्तर है समृद्धम। पुराणादिषु पाटलिपुत्रस नामांतरम किन, पुराण आदियों में पाटलिपुत्र का नाम क्या प्राप्त होता है? सही उत्तर है पुष्पपुर या कुसुमपुर। कौमुदी महोत्सव पाटलिपुत्र में कब मनाया जाता था? ग्रीष्म में, वर्षा में, शरद में, हेमंत में। तो सही उत्तर है शरद में। यूनान का राजदूत कौन था? फाहियान, मेगास्थनीज, इत्सिंग, हुएनसांग। यूनान का राजदूत, सही उत्तर है मेगास्थनीज। प्रश्न है, गुरु गोविंद सिंहस्य सिख संप्रदाय से गुरु आसीत, गुरु गोविंद सिंह सिख संप्रदाय के कौन से नंबर के गुरु थे? प्रथम, नवम, दसम, तृतीय। सही उत्तर है दसम। पाटलिपुत्र से खाली स्थान है, दिशी गंगा नदी प्रवहती, काली पाटलिपुत्र के किस दिशा में गंगा नदी बहती है? पूर्व दिशायाम, दक्षिणस्याम, पश्चिमस्याम, उत्तर दिशायाम। सही उत्तर है उत्तरस्याम। कौमुदी महोत्सव कस शासन काले प्रचलित है, कौमुदी महोत्सव किसके शासन काल में प्रचलित थी? गौत वंश के शासन काल में, अशोक के शासन काल में, कर्म के शासन काल में, हर्षवर्धन के शासन काल में। तो सही उत्तर है गुप्त वंश के शासन काल में। प्रश्न है, संप्रति पाटलिपुत्रम कस राज्य राज्यस राजधानी, इस समय पटना किस राज्य की राजधानी है? झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहारस्य। पटना शब्द का संबंध किस शब्द से है? पटन, पत्तन, पटन, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ख, पतन। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान गुरुद्वारा कहाँ है? पटना, दरभंगा, गया, रांची। सही उत्तर है पटना। पुरंदर इस शब्द का क्या अर्थ है? गणेश, शिव, राम, इंद्र। सही उत्तर है इंद्र। साथ ही आप
लघुतरीय प्रश्नों को भी देख लें। पाटलिपुत्र वैभवम पाठ के आधार पर यहाँ स्थित दर्शनीय स्थलों पर प्रकाश डालें। उत्तर है, गंगा नदी के पवित्र तट पर बसा पटना अपने दर्शनीय स्थलों के लिए प्रसिद्ध है। इसे देखने विदेशी पर्यटक भी सालों भर आते रहते हैं। प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलगिरी, तारामंडल, जैविक उद्यान, मौर्यकालिक अवशेष, महावीर मंदिर, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान गुरुद्वारा, साथ ही पटना में गंगा नदी पर बना गांधी सेतु एशिया प्रसिद्ध सेतु है। उक्त दर्शनीय स्थल ऐतिहासिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक महत्व रखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था कैसी थी? चंद्रगुप्त मौर्य के काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था अत्यंत उत्कृष्ट थी। इस प्रकार रक्षा व्यवस्था को मजबूत किया गया था कि कोई आक्रांता रक्षा व्यवस्था को तोड़ नहीं पाता। इस बात का उल्लेख यूनानी राजदूत मेगास्थनीज ने अपने संस्मरण में किया है। राजशेखर ने पटना के संबंध में क्या कहा, अथवा प्राचीन काल में पटना को शिक्षा का केंद्र क्यों कहा गया है? तो लक्षण ग्रंथ काव्य मीमांसा के रचयिता राजशेखर ने पटना का सादर स्मरण करते हुए लिखा है, ब्याडी, पाणिनी, पिंगल, बवर, रुचि, पतंजलि आदि विद्वानों ने यहाँ अध्ययन कर प्रसिद्धि प्राप्त की थी। पटना इन लोगों के लिए भी कसौटी पत्थर के समान रहा है। राजशेखर के अनुसार इस प्रकार की सारस्वत परंपरा यहाँ काफ़ी दिनों तक चलती रही थी। प्राचीन काल में कौन कौन से विदेशी यात्री पटना आए? विदेशी यात्रियों में प्रमुख रूप से मेगास्थनीज, फाहियान, ह्वेनसांग, इत्सिंग आदि आए। प्रश्न है, भगवान बुद्ध ने पटना के संबंध में क्या भविष्यवाणी की थी? उत्तर है, भगवान बुद्ध का पटना आना कई बार हुआ और उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि यह पाटली नामक गांव महानगर बनेगा, किंतु कलह, अगलगी और बाढ़ के भय से सर्वदा पीड़ित रहेगा। पाटलिपुत्र वैभवम पाठ के आधार पर पटना के वैभव का संक्षिप्त वर्णन करें, अथवा दामोदर गुप्त के अनुसार पाटलिपुत्र के वैभव को बताएं। उत्तर, अपनी समृद्ध स्थिति के लिए पाटलिपुत्र प्राचीन काल से ही प्रसिद्ध है। दामोदर गुप्त ने अपनी रचना कुटनी मत्ता नामक काव्य में कहा है कि पाटलिपुत्र पृथ्वी का तिलक, विद्वानों का घर तथा स्वर्ग से भी सुंदर स्थान है। यह नगर सम्राट अशोक के समय अत्यंत समृद्ध था। सिख संप्रदाय के लिए पटना क्यों महत्वपूर्ण है? उत्तर है, सिख संप्रदाय की दृष्टि से पटना एक परम पूजनीय स्थल है, क्योंकि यहाँ सिख धर्म के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म स्थान है। यह स्थान गुरुद्वारा के नाम से विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ देश विदेश से सिख तथा अन्य धर्मों के तीर्थयात्री गुरुद्वारा का दर्शन करके अपने जीवन को धन्य मानते हैं। पटना के प्राचीन उत्सवों को बताएं। पाटलिपुत्र में गुप्त वंश के शासनकाल में शरद ऋतु में कौमुदी महोत्सव नामक महोत्सव काफ़ी उत्साह एवं धूमधाम के साथ मनाया जाता था। आजकल दुर्गा पूजा के समय जो स्थिति समाज में रहती है, ठीक उसी प्रकार की स्थिति कौमुदी महोत्सव के समय होती थी। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।